हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0। तो ये आज मिसलेनियस जीएस का क्लास है और ये ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज एक फर्स्ट टॉपिक है यांत्रिकी। यांत्रिकी से पार्ट वन पार्ट टू करके एक दो वीडियो मिलेगा आपको, इसमें क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट और सारे ऑप्शन को डिस्कशन करते चलेंगे। जैसे 20 क्वेश्चन का सीरीज होगा तो 20 और उसको डिस्कशन करेंगे, यानी 40 क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक वीडियो में। और आप अभी तक मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल जाए। तो चलिए अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश से लेकर सूर्य तक के अनुमानित, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यहाँ पर लाइट ईयर्स, बी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी है केल्विन और डी है जूल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो प्रकाश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बताते चले इसमें कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, अब यहाँ प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा देख लीजिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और इसमें क्या एक चीज़ और खास है कि प्रकाश एक वर्ष में तय की दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। आप लोग तो जाना सा क्वेश्चन लग रहा होगा, बहुत इजी है। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है, अब आप लोग बताइए। जिसे वजन, फर्स्ट नंबर है वजन, बी तापमान और सी वेग और डी लंबाई। तो इसमें आप लोग आंसर बताइए, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त वेग, इसका आंसर हो जाएगा वेग। तो इसका डिस्कशन कर, जैसे वेग, अब हम कैसे कहें कि वेग अति है, वेक्टर राशि का उदाहरण है। जैसे वे राशियाँ डिस्कशन कर, थोड़ा सा एक परिभाषा लिख लीजिए, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियाँ या उसी को वेक्टर राशियाँ कहलाते हैं। यानी वेक्टर राशियाँ को ही हम लोग सदिश राशियाँ कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सदिश राशियाँ कहते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर आइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है, ऑप्शन ए समय, बी तापमान और ऑप्शन सी दूरी, डी वेग। इसका राइट आंसर होगा वेग, इसके पहले बार क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं कि वेक्टर मात्रा क्या है। यानी वेक्टर मात्रा को सदिश राशियाँ कहती हैं और इसका भी आंसर सेम हो जाएगा वेग। यानी अगर बोले तो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है। आप लोग इसे भी नोट करते चलिएगा या अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो आइए, हम लोग चार नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। फ्रेम के संदर्भ में समय का फंक्शन क्या है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है यांत्रिकी, दूसरा है वेक्टर, तीसरा है वेग और चौथा है परिमाण। तो इसका आंसर होगा वेग। यानी फ्रेम के संदर्भ में समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसको क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। और वेग बराबर इसमें क्या है, जैसे फ्रेम है तो वेग बराबर इसमें हो जाएगा कि दी हुई दिशा में चली गई दूरी बटा लिया गया समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर क्वेश्चन पाइए आप लोग। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी कार्ज और ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी दबाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँच नंबर का सी नंबर घनत्व। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, घनत्व, इसका आंसर हो जाएगा घनत्व।
तो घनत्व, घनत्व एक भौतिक राशि है, याद करते चले। घनत्व क्या है, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर घनत्व क्या है। घनत्व एक भौतिक राशियाँ है और इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और इसका बताते चले कि घनत्व का बीमा सूत्र क्या है, एम एल माइनस थ्री, ये घनत्व का बीमा सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पाइए आप लोग। दबाव को किससे नापा जाता है, दबाव को किससे नापा जाता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान एवं घनत्व, बी है किए गए कार्य, और सी बल एवं क्षेत्रफल, और डी है बल एवं दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बल एवं क्षेत्रफल, बल एवं क्षेत्रफल सी नंबर इसका रखेंगे। यानी दबाव को किससे नापा जाता है, बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाता है। अब दबाव रहा तो इसका हम फॉर्मूला बनता है कि दाब, दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर तो आप लोग जानते ही होंगे कि बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। अतः यानी दाब का एसआई मात्रक क्या है, दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल कहते हैं, जिसे हम लोग पास्कल कहते हैं। और दाब एक क्या है इसको भी बताते चलिए। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर हम लोग आते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते चलेंगे, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस पर प्रत्येक दिन जीएस का क्लास चलता है मिसलेनियस, और इस पर भी और सब्जेक्ट की क्लास लगेगी, इंग्लिश मैथ रीडिंग, तो ठीक है क्वेश्चन करें हम लोग। दबाव की एसआई इकाई क्या है, यानी दबाव की एसआई इकाई क्या है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, दूसरा नंबर है न्यूटन वर्ग मीटर, तीसरा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर यहाँ पर हम बता दें सी नंबर होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके पहले तो डिस्कशन बता दिए, सेम ही है दोनों क्वेश्चन का। अब रहा सवाल इनमें से विषम को चुने, अब तो ये रीजनिंग का सवाल हो गया, रीजनिंग में ही ऐसा ही रहता है कि इनमें से विषम को चुने। अब हम लोग को मालूम ही नहीं है कि कौन को क्या कहेंगे, जिससे इसमें गति, संवेग, विस्थापन, वेग, यानी फर्स्ट नंबर आंसर है गति, बी संवेग, और सी विस्थापन, और डी वेग। अब इसमें हमें मालूम, चलिए एक आप लोगों को दिखाते हैं इसमें इसका परिभाषा, जिससे यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में लिखी गई है। जैसे सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, अब सदिश राशियाँ कहते किसको हैं, सदिश राशियाँ कहते किसको हैं, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे मैं इसका वेग, त्वरण, बल, संवेग एवं विस्थापन। और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। इसका उदाहरण जैसे संहति, घनत्व, वैद्युत धारा, चाल, आयतन, समय एवं ताप। तो इसके इसका आंसर हो जाएगा, आपको बता दें इनमें से विषम को चुने, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा इसका गति, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा गति, ऑप्शन ए गति। बाकी सब सदिश राशियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए गति, बी समय, सी द्रव्यमान, और डी त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको जैसे इसका एक बार फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए गति, बी समय, सी द्रव्यमान, और डी त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, समय। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, समय। समय की, अब देखो यहाँ पर रहा सवाल कि समय की इकाई हर पद्धति में रहती है, जैसे एम के एस, ये भी पद्धति है, एम के एस, सी जी एस, सी जी एस, एफ पी एस, मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व क्या है, आ गया पानी का घनत्व क्या है, आप लोग जानते ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए 1000 किलो प्रति घन मीटर, बी है 10 किलो प्रति घन मीटर, सी ऑप्शन है 1 किलो प्रति घन मीटर, और डी है 100 किलो प्रति घन मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 1000 किलो प्रति घन मीटर पानी का घनत्व है। अब घनत्व फार्मूला आप लोग पूछा है कि सर घनत्व कह रहे हैं, तो इसका भी आप लोग फार्मूला जानते रहें,
घनत्व बराबर होता क्या है? शायद लगते हैं पहले क्वेश्चन में हम बता दिए हैं, घनत्व बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन यानी पानी का घनत्व क्या है। तो इसका सीधा आंसर याद रखेंगे 1000 किलो प्रति घन मीटर। एग्जाम में जाएंगे सीधा ऐसा अथी चॉइस मिलेगा, उसको मार के चले आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर, गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे NTPC ऑनलाइन परीक्षा में 2016 का क्वेश्चन है, ये 2016 का क्वेश्चन है दोस्त, ये प्रीवियस ईयर से हम क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए, और इसका फर्स्ट नंबर है गति के लिए, बी ऑप्शन है एक कंटेनर के लिए, सी है आयतन की माप के रूप में, और डी है कंटेनरों के बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। दोस्तों अगर हमसे थोड़ी सी इसमें गलती हो जाए इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम पढ़ाते हैं तो आपको कैसा लगता है, और आपका भी संदर्भ इसमें दीजिएगा क्या मैं सुधार करूँ। बहुत ही हमें अच्छा लगा कमेंट पढ़कर। हाँ, तो इसका आंसर हम बता दें, गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? आयतन की माप के रूप में किया जाता है, आयतन की माप के रूप में किया जाता है। तो एक चीज़ में बता देते हैं, जानने वाली बात है कि बहुत, जैसे एक गैलन, अब रहा सवाल कि एक गैलन बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक गैलन बराबर क्या होता है? तो 3.785 लीटर होता है दोस्त, इसको याद कर लीजिए। चलिए, यहाँ से दो क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? हम लोग पढ़ते हैं तो टेबल पर पुस्तक सरिया देते हैं, अब टेबल पर पुस्तक सरिया देते हैं, बारी बारी से सरियाए हुए टेबल नीचे लगा हुआ है, और तब किसके कारण ये ढेर हटता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जड़त्व के कारण, बी है गति के कारण, सी है चुंबक तत्व के कारण, और डी है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा जड़ता के कारण मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर नहीं हटता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये न्यूटन गति का प्रथम नियम से भी मिलता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? चलती हुई लिफ्ट जब चल रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब लिफ्ट हमेशा चल रही है, तो उस ऑप्शन में देखिए, पहला नंबर ऑप्शन है बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी भार नहीं बदलेगा, और डी बढ़ या घट सकता है। चलती लिफ्ट में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत से लोग मिस्टेक करेंगे। यहाँ क्वेश्चन करा कि चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बढ़ या घट सकता है। चलिए, जब व्यक्ति, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, जैसे लिफ्ट जब ना कहते हैं कि हम जैसे कभी मॉल में जाते हैं तो जब देखते हैं कि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो मेरा भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो मेरा भार घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 14 नंबर पर। हमें आशा है कि आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा क्वेश्चन पढ़कर। चलिए, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद के कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है क्यों? यानी सीधी सी क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है? तो इसका सीधा सी आंसर हम आपको बताते चलें, वह गेंद को लपकने से डरता है और इसलिए अपने हाथ को पीछे खींच लेता। नहीं, इसका आंसर होगा बी नंबर, वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। यानी इसका हम लोग आंसर सीधा से याद करें तो कैच को इसलिए पकड़ता है पीछे ताकि उसका भार जो है कम जाए, उसके हाथ पर चोट कम लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? नहीं देखते, जैसे हम लोग कार चलाते हैं तो कार को ड्राइव करते वक्त ये कौन सा बल लगता है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? ऑप्शन ए हम लोग पढ़ेंगे केंद्राभिमुख बल, बी है अभिकेंद्री बल, और सी घर्षण बल, और डी तनाव बल। तो इसका यहाँ पर आंसर होगा अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल की वजह से हमें बाहर की ओर धक्का देती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान तोरण से चलने वाली कार के लिए सही है? ऑप्शन ए, कार का तोरण शून्य है। बी, कार का वेग लगातार बदल रहा है। और सी, कार का तोरण लगातार बदल रहा है और कार का वेग शून्य है। तो यहाँ पर आंसर आप लोग बताइए, यहाँ पर आंसर आप लोग को बता दें हम कि बी नंबर हो जाएगा, कार का वेग लगातार बदल रहा है। यानी निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? कार का वेग लगातार बदल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आइए 17 नंबर पर। ओह आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में मिलता ही होगा। डेरियो में दूध से क्रीम अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए, निस्तारण। बी, आंशिक आसवन। और सी, अपकेंद्रीकरण। और डी, क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण के कारण डेरियो में दूध से क्रीम अलग करने की इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 18 नंबर पर। आइए दोस्तों, एक और आवश्यक सूचना दे दें, आप लोग अंत तक बने रहिए, आपको बताएंगे कुछ ही देर के बाद। 18 नंबर क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन ए, अपकेंद्री। बी, अभिकेंद्री। सी, गुरुत्वीय। और डी, अभिलंब। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा अभिकेंद्री। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्री। यानी जैसे इसका एक डिस्कशन से समझते हैं कि वृत्तीय गति करते हुए पिंड एक बल कार्य करता है, ठीक है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। एक बार फिर से इसका परिभाषा सुन ले, अभिकेंद्रीय बल का, वृत्तीय गति करते हुए पिंड एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त की केंद्र की ओर रहती है, उसे ही अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा कि रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। चलिए ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पर आइए। आप लोग तो याद होगा, बहुत मजा आएगा। बल की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए, केल्विन। बी, न्यूटन। सी, पास्कल। और डी, वोल्ट। तो यहाँ पर आप लोग तो सीधा से याद हो कि बल की एसआई यूनिट क्या है, तो न्यूटन। बल के एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। अब एक न्यूटन बराबर क्या होता है? एक न्यूटन बराबर होता है यहाँ पर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बल का एसआई यूनिट क्या है? बल का एसआई यूनिट तो आप लोग जानेंगे, न्यूटन। और चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। और ये लास्ट है, इसमें आपको एक आवश्यक सूचना बताने के लिए कहे थे। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, उस पर सर्च कीजिए UGC अड्डा 2.0 से आपको मिल जाएगा। उसमें डाउट ग्रुप भी है, डाउट सेशन भी है और मेरा पर्सनल भी बना हुआ है, आप लोग उससे जुड़ जाएं। इसका पीडीएफ पर डे लोड किया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बायोंट फोर्स। बी, फ्रिक्शनल फोर्स। और सी, अप्लाइड होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसमें आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, बायोंट फोर्स। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बायोंट फोर्स। इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। द्रव के जिस गुण की वजह से वस्तुओं पर ऊपर की ओर या ऊर्ध्वगामी बल लगता है, उसे ही उत्प्लावकता बल कहते हैं। यानी इसी को हम लोग अंग्रेजी नाम कहते हैं, बॉयंट फोर्स। इसका ये अंग्रेजी नाम है, इसका हिंदी नाम हो जाएगा उत्प्लावक बल हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्त, हमें उम्मीद है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।